नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी बरनवाल और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल ट्रेंड्स। आज पॉलिटिकल ट्रेंड्स की टीम आ पहुंची है रांची के प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर राजीव के क्लिनिक। चलिए उनसे वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि वह क्या सुझाव देंगे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए। नमस्कार डॉक्टर राजीव। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मेरा डॉक्टर राजीव कुमार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा आपके पॉलिटिकल ट्रेंड न्यूज का नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल आप देख रहे होंगे बच्चे काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे कि वो स्वस्थ रहे? सर्वप्रथम अभी मौसम बदल रहा है और अभी आप देखेंगे कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो झारखंड सरकार की गाइडलाइन और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और जो भी आज का जो परिवेश में है, मौसम चेंज होने से हम लोग को सर्दी, खांसी, बुखार, छींक, वायरल फीवर, यदि किसी घर में किसी एक आदमी को हो तो प्रायः देखने को मिलती है कि सभी को हो जाती है ये चीज़ें। तो हम सभी सुरक्षित रहें, मास्क, घर में यदि सर्दी हुई है तो मास्क जरूर पहने, बरसात के पानी में बिल्कुल भींगे नहीं, आसपास के हम लोग पानी का जमाव ना होने दें, भींगे हुए कपड़े ना पहने, सर को भींगा हुआ बहुत देर तक ना रखें, पंखा, एसी, कूलर को बहुत माइल्ड में चलाएं, जिससे कि हम सर्दी, खांसी, बुखार के और वायरल के चपेट में नहीं आ सके। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वेदर जैसे चेंज हो रहा है, आजकल बड़े हो या छोटे सारे बीमार पड़ रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और अच्छे रहे? सबसे सर्वप्रथम इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए मन से ही हम बीमार होते हैं, मन ही हमारे शरीर को बीमार करता है, तो मन को स्वस्थ रखें, पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें, नकारात्मक सोच से बचें, इर्द गिर्द जो भी आपकी साफ सफाई रखें और योगा एक्सरसाइज जरूर करें। मेरा एक कार्यक्रम है 2H हेल्दी लाइफ स्टाइल विथ होम्योपैथी, यार आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल ठीक है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़िया हो सकता है। भारत सरकार की एक आर्सेनिक दवा है जो आपकी इम्यून पावर को भी अच्छी रखती है, जिसकी गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन के अनुसार उस दवा का सेवन करें। साथ ही साथ होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती है, इम्यूनिटी बूस्टर एक होम्योपैथिक में दवा आती है, जिस दवा का आप सेवन करें तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और खान पान अच्छा खाएं, गर्म खाएं, ताज़ा खाना खाएं और योगा एक्सरसाइज आधा से एक घंटा अपने शरीर के लिए जरूर समय निकालें। जैसे 24 घंटा हमारे लिए समय होता है पूरे दिन में, तो हम 24 घंटा में एक घंटा ये मेरा अपना टाइम है, मैं इसमें अपना योगा एक्सरसाइज, मन को ध्यान, अभ्यास मैं करूँगा और मैं स्वस्थ रहूँगा। सर बिल्कुल आपने एकदम सही कहा होम्योपैथिक के बारे में, लेकिन मेरा यह सवाल है कि आजकल आप देखते होंगे कि लोग होम्योपैथिक की तरफ बहुत कम जाते हैं, लोगों को अंग्रेजी दवाओं में ज़्यादा भरोसा है, तो आप ऐसा क्या बताएंगे कि लोगों को होम्योपैथिक पे भरोसा हो और फिर से वो खाना शुरू करें, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि वह बहुत कम खाते क्योंकि उनका कहना होता है कि वह बहुत स्लो काम करता है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि ट्रेंड बदल रहा है और हम लोग बैक टू नेचर हो रहे हैं, और एक तो सच है कि हम लोग किसी भी पेशेंट के लास्ट चॉइस होते हैं, फर्स्ट चॉइस नहीं होते हैं। तो क्योंकि लोग सबसे पहले यदि कोई किसी को बीमारी होती है तो वो उसके स्पेशलिस्ट के पास सबसे पहले जाता है, लेकिन आज ट्रेंड बदल रहा है, एक होम्योपैथिक चिकित्सक बहुत सारे बीमारियों का इलाज एक साथ कर सकता है। होम्योपैथिक चिकित्सक जैसे कान का भी इलाज करता है, नाक का भी इलाज करता है, ENT भी है, गैस्ट्रो भी है, गायनी भी है, ऑर्थो भी है, डर्माटोलॉजी भी है, तो हर बीमारी का इलाज एक होम्योपैथिक चिकित्सक कर सकता है। आज दवाइयों के साइड इफेक्ट के बदौलत आप देखेंगे कि आज सभी लोग होम्योपैथिक प्रीफर आज ज़्यादा कर रहे हैं, होम्योपैथिक यूज करने की संख्या काफ़ी बड़ी है। आज आप 100 में से 10 से 20 लोग जरूर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो होम्योपैथिक किसी न किसी रूप में दवाई खा रहे हैं और ले रहे हैं, इसकी मान्यता भी बढ़ी है और लोगों का एक विश्वास भी बढ़ा है। और अन्य दवाइयों का साइड इफेक्ट इतना है कि होम्योपैथिक दवा को लोग अपनाना ही एक मात्र विकल्प बच गया है, इसलिए मैंने बताया कि 2H हेल्दी लाइफस्टाइल विथ होम्योपैथी। यदि हेल्दी लाइफस्टाइल रहने के बावजूद भी यदि आप कोई बीमार पड़ते हैं तो होम्योपैथी की दवा आप सेवन करें, आपको बीमारी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी आपको अन्य बीमारी को बढ़ाए आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। ये होम्योपैथी का एक आज अचीवमेंट है और भारत में और नहीं बल्कि विश्व में भी पूरे एलोपैथ के बाद, आधुनिक चिकित्सा के बाद सबसे ज्यादा कोई दवा खाने वाली है वो है, तो वो है होम्योपैथी। ओके सर, आप मीडिया के थ्रू क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि लोग जाने और होम्योपैथ पे ज्यादा भरोसा करें और उसे डेली लाइफस्टाइल में उसे लाए? मेरी एक बुक आ रही है फर्स्ट पैथी होम्योपैथी, मेरा विचार आया मन में ये बात कि हम कैसे होम्योपैथी को लोग को, जैसे किसी कोई घर में बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले पता ही नहीं चलता हम लोग कहाँ जाएं, यदि हड्डी की बीमारी है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, पेट की बीमारी है तो पेट के डॉक्टर के पास जाएं, स्किन की बीमारी है तो स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे की बीमारी है तो बच्चे के डॉक्टर के पास जाएं,
औरतों की बीमारी है तो गायनी के पास जाएं। लेकिन आज एक विकल्प, आज होम्योपैथिक भी एक विकल्प है, और तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम फर्स्ट पैथी होम्योपैथी, यदि आप बीमार हों तो आपको पहली पैथी आपको होम्योपैथिक सूझे। उस पर मैंने किताब भी लिखी है, वो किताब मेरी आने वाली है, मेरी करीब होम्योपैथिक की 11 बुक आने वाली है। तो उस इस विचार से मैंने उसको स्टार्ट किया, और मेरा एक संकल्प है कि भारत के हर घर की पैथी घर घर पहुँचे होम्योपैथी, ये मैं इस स्लोगन के साथ मैं चल रहा हूँ, इस मिशन पे चल रहा हूँ कि होम्योपैथिक के का में एक रेवोल्यूशन लाना है और होम्योपैथिक को घर घर तक पहुँचाना है। क्योंकि ये होम्योपैथिक बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी आपको नुकसान पहुंचाए, आपको बहुत तरीके से राहत देती है। एक होम्योपैथिक दवा बहुत सारी बीमारी में काम आती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है कि इसका एक सबसे बड़ा एक ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है होम्योपैथिक दवाओं का। साथ ही साथ आप देखेंगे कि होम्योपैथिक बिना जो सर्जिकल केसेस भी होते हैं वो भी होम्योपैथिक में आके कई सर्जिकल केसेस 60-70% सर्जिकल केसेस भी होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं। जैसे पाइल्स है, स्टोन है, ट्यूमर है, ग्लैंड है, ब्रेस्ट ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, तमाम तरह की बॉडी में कहीं हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये सब केसेस जो सर्जरी के केसेस PCOD है, फाइब्रॉइड है, तो ये सब भी केसेस होम्योपैथिक से ठीक हो जाते हैं। तो जितने भी क्रोनिक बीमारी है, तो मेरा ये मानना है कि यदि आप बीमार हो तो मैं नहीं कहता कि आप एलोपैथ या कोई भी पैथी खराब है। हर पैथी की कोई पैथी पूर्ण नहीं है, हर पैथी में अभी रिसर्च चल रहे हैं, हर पैथी अपूर्ण है। तो जो भी आपको बीमारी हो, यदि आप किसी बीमारी से बार बार परेशान हो रहे हो, तो मैं जरूर बोलूंगा अपने आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि आप होम्योपैथिक का सेवन करें। जो भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक आपके इर्द गिर्द हों, आपके शहर में हो, गांव में हो, मोहल्ले में हो, राज्य में हो, तो उनको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर कराएं। जब आप कहीं निराश हो रहे हो कि मेरी एलोपैथिक दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, या मुझे बहुत अनुकूल फायदा नहीं मिल रहा है, या मैं बहुत जगह घूम आया, मैं बहुत जगह दिखाया, तो मैं जरूर बोलूंगा कि मेडिसिन जब आप बीमार पड़ते हैं और उसके तत्काल राहत के लिए आप एलोपैथिक दवा जरूर ले लें, लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथिक अल्टरनेट में साथ ही साथ दोनों दवा साथ खा सकते हैं, आपको जरूर आपको बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजीव ने हमारे साथ कितनी सारी वार्तालाप की और उन्होंने कितनी सारी नॉलेजेबल बातें शेयर की है हमसे, और ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहे पॉलिटिकल ट्रेंड से। धन्यवाद।